हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ निर्भय, आपका दोस्त। कैसे हो सब लोग? तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में जो है फ्लूट को कैसे पकड़ना है, कैसे होल्ड करना है, वो टेक्निक्स जो है मैं आज आपको बताने वाला हूँ। और ये टेक्निक जो है बिगिनर्स के लिए जो है बहुत ही हेल्पफुल है। तो प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप ये पूरी वीडियो जो है एंड तक देखिए, ताकि आपको जो है पकड़ने की प्रॉपर टेक्निक जो है समझ में आए। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि बिगिनर्स के लिए जो है पहले तो फ्लूट जो है वो लेना है, फर्स्ट स्टेज जो है उनका फ्लूट बाय करना है। तो कौन सी फ्लूट आपको बाय करनी है, कौन से साइज की, ये जानकारी जो है मैंने पिछले वीडियो में जो है दे दी है। तो आप प्लीज़ वो वीडियो जो है चेकआउट करिए। उसके बाद में जो है सेकेंड स्टेज होती है बिगिनर्स के लिए, वो स्टेज होती है होल्डिंग टेक्निक की, फ्लूट को पकड़ना कैसे प्रॉपर। अभी आप देखेंगे तो बिगिनर्स जब भी फ्लूट मतलब सीखना स्टार्ट करते हैं तो सीधा जो है मतलब मुझे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे थे कि कौन से साइड, कौन से लेफ्ट साइड या फिर राइट साइड में जो है फ्लूट पकड़ना है, कौन सी साइड जो है राइट है। तो देखिए, आप कौन सी भी साइड जो है फ्लूट पकड़ सकते हैं। आप देखेंगे तो मैं मेरा जो राइट साइड है उस साइड पे मेरा फ्लूट जो है होता है। तो उसी तरह कोई कोई जो दोस्त मेरे है वो लेफ्ट साइड, जो ये मेरा फ्लूट का डायरेक्शन है, वो लेफ्ट साइड पे जो है पकड़ते हैं। तो आप कौन से भी साइड जो है पकड़ सकते हैं जो आपकी साइड कंफर्टेबल हो उसमें, ठीक है। तो आप अभी जानेंगे कैसे कि कौन सी साइड जो है हमारी राइट साइड है या फिर लेफ्ट साइड है, सॉरी लेफ्ट साइड है। तो इसमें आप देखेंगे तो मैंने जो है मेरा जो फर्स्ट जो तीन होल्स होते हैं वो तीन होल्स मैंने लेफ्ट हैंड से कवर किया है, ठीक है। तो अगर मैंने लेफ्ट हैंड से मेरे फर्स्ट थ्री होल्स जो है कवर होते हैं तो मेरी फ्लूट जो है राइट साइड जो है जाती है राइट साइड के डायरेक्शन में, ठीक है। तो वैसे ही अगर मैं राइट हैंड से फ्लूट पकड़ता हूँ, राइट हैंड से मेरे तीन पहले तीन होल जो है मैं कवर करता हूँ, तो वो जो डायरेक्शन होगा वो लेफ्ट साइड होगा, ठीक है। तो अभी आपके ऊपर डिपेंड है कि आप जो है फ्लूट के फर्स्ट जो तीन होल्स है वो कौन से हाथ से कवर करते हैं। अगर आप लेफ्ट हैंड से कवर करेंगे तो आपका जो फ्लूट का डायरेक्शन होगा वो अपनी राइट साइड पे होगा। अगर आप राइट हैंड का यूज़ करते हैं पहले तीन होल्स कवर करने के लिए तो आपका जो फ्लूट है वो लेफ्ट साइड में जाएगा, ठीक है। तो इसमें ऐसा कोई नहीं है कि सिर्फ राइट साइड में ही बजाना चाहिए। सारे लोग जो है अपने कंफर्ट को देख के अपने अपने कंफर्ट के अनुसार जो है फ्लूट मतलब राइट साइड या फिर लेफ्ट साइड में जो है पकड़ते हैं, ठीक है। तो इसमें आप कंफ्यूज मत हो, आपको जो कंफर्टेबल लगे उस साइड का पकड़िए। तो अगर आप बिगिनर्स हैं तो आपको फ्लूट कैसे पकड़ना है, देखिए जो स्टार्टिंग में बिगिनर्स होते हैं वो सीधा जो है फ्लूट ऐसे पकड़ने की ट्राई करते हैं। बट आप जो है समटाइम्स क्या होता है कि बहुत सारे लोग ऐसे पकड़ने में थोड़ी सी पोजिशन जो है उनकी गलत हो जाती है। तो आपको वैसे जो है डायरेक्टली नहीं पकड़ना है, आपको जो है मैं अभी बता रहा हूँ वैसे ही पकड़ना है। आपको एकदम जो स्ट्रेट फ्लूट होता है जो आगे से मतलब फूका जाता है उसी तरह जो है ये भी फ्लूट जो है स्टार्टिंग में पकड़ना है। ये देखिए, पहला जो है आपको ऐसे फ्लूट रखना है स्ट्रेट, यहाँ पे जो है आपको एक बैलेंस मिलेगा अगर आप टाइट यहाँ पे पकड़ेंगे तो, ठीक है। तो मैं अभी जो है लेफ्ट हैंड जो है मेरा जो लेफ्ट हैंड है वो मैं पहले तीन होल्स जो है लेफ्ट हैंड से कवर करूँगा, ठीक है। तो फर्स्ट जो मेरा थंब है वो मैं यहाँ पे साइड पे लगाऊंगा। अब ये थंब जो है मैं नीचे नहीं लगाऊंगा, मैं ये थंब जो है पूरा ऐसे साइड में लगाऊंगा, ठीक है, ऐसे। उसके बाद में जो मेरा फर्स्ट फिंगर है उसका जो मिडल पार्ट है, ये रहा ये टॉप, उसके बाद में ये मिडल, ये लोअर। तो ये जो मिडल पार्ट है उस मिडल पार्ट से जो है मैं कवर करूँगा पहला होल। उसके बाद सेकेंड होल भी वैसे ही, और थर्ड अभी बचती है मेरी लिटिल फिंगर, वो मैं यहाँ पे सपोर्ट के लिए लगा दूँगा। तो आपका थंब और ये जो ये थंब और आपका लिटिल फिंगर यहाँ पे सपोर्ट के लिए जो है होगा, और बाकी ये तीन होल जो है आपको
फ्लूट तीन फिंगर जो है ये तीन फर्स्ट तीन होल जो है कवर करना है। उसके बाद में नीचे आपका जो राइट हैंड है उसका जो थंब है वो नीचे जाएगा, ठीक है, ये साइड में नहीं होगा, ये नीचे जाएगा। उसके बाद में आपका फर्स्ट फिंगर का मिडल पार्ट, सेकंड फिंगर का मिडल पार्ट, थर्ड फिंगर का मिडल पार्ट, तो ऐसे जो है आपको फ्लूट जो है आपका पकड़ना है स्टार्टिंग में स्ट्रेट। आपको मतलब ऐसे ऐसे पोजीशन में नहीं पकड़ना है, आपको पहले सीधा पोजीशन में जो है फ्लूट पकड़ना है ऐसे, और उसके बाद में एक एक्सरसाइज करना है जो है नीचे से ऊपर तक आपको फिंगर्स का मूवमेंट जो है करते आना है, ठीक है। तो ऐसे 1 2 3 4 5 6 फिर से उल्टा 6 5 4 3 2 1, ठीक है। अब ये नीचे जो मेरा राइट हैंड है उसका जो फिंगर्स लिटिल फिंगर है वो कहाँ पे यूज करना है देखिए बैलेंस करने के लिए, जब मैं 1 2 3 ये तीन फिंगर जो है मेरे ऊपर उठ जाते हैं, तो जब मैं मेरा लेफ्ट हैंड का जो फिंगर है थर्ड फिंगर जब मैं ओपन करूँगा तो मेरा लिटिल फिंगर जो है यहाँ पे सपोर्ट के लिए मैं लगा दूँगा नीचे, ठीक है। नीचे मतलब होल के यहाँ पे नहीं बट यहाँ पे सपोर्ट के लिए जो आपको लगाना है, ताकि जब आप ऊपर वाला जो हैंड है वो आप रिलैक्स, जब आपका सारे फिंगर जो है ऊपर उठ जाएंगे तो आपको बैलेंस करने में जो है आसानी होगी। तो फिर से ऊपर और ये ऐसे, उसके बाद में जब सारे आपके फिंगर्स ओपन रहेंगे होल सब के ओपन रहेंगे तो आपको फ्लूट जो है सिर्फ चार उंगलियों पर कवर करना है, मतलब बैलेंस करना है, जो मेरा लेफ्ट हैंड का थंब और लिटिल फिंगर है और राइट हैंड का थंब और लिटिल फिंगर है उसके ऊपर ही आपको फ्लूट जो है अच्छी तरह से बैलेंस करना है। उसके बाद में फिर से वैसे ही आपको ये जो है एक्सरसाइज है वो करना है। अब ये एक्सरसाइज जो है आपको लगे कि आपका बैलेंस बहुत अच्छी तरह से बन रहा है, चार फिंगर्स के ऊपर अच्छे से बन रहा है और आपके फिंगर्स भी अच्छी तरह से काम कर रहे हैं ऐसे, तो उसके बाद में जो है आपको आगे बढ़ना है। अभी अभी जो मैंने जो है मेरे लेफ्ट हैंड से जो है पहले तीन कोर कवर्स कर दिए, तो मेरा जो साइड होगा वो अपोजिट मतलब राइट साइड पे होगा, ठीक है। तो आपको ऐसे सीड पकड़ के ऐसे जाना है, देखो सिंपल है, बहुत सिंपल है, सिर्फ लेफ्ट हैंड को ऐसे अपना जो राइट हैंड है उसको पीछे खींचना है और लेफ्ट हैंड को ऐसे लेके जाना है, सिंपल। फिर से देखिए मैंने मेरा जो राइट हैंड है जो ये मेरा हैंड है इसको मैंने ऐसे पीछे कर लिया और ये ऐसे जो ये होल है ग्लोइंग होल मैंने ऑटो पे यहाँ पे लगा दिया, तो आपका ये जो पोजीशन है ऑटोमेटिकली एकदम करेक्ट पोजीशन में आ जाएगा, जो आपका ये हैंड होता है ऐसे और ऐसे, ठीक है, तो ये पोजीशन में आ जाएगा, तो ये पोजीशन एकदम करेक्ट रहेगी। फिर से वही एक्सरसाइज आपको दोबारा करनी है, 1 2 3 मैंने अपने लिटिल फिंगर यहाँ पे रख दी बैलेंस के लिए, फिर 1 2 3 उसके बाद में पूरा बैलेंस में चार उंगलियों पे कर रहा हूँ, उसके बाद में फिर से नीचे आने 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो ऐसे जो है आपको फ्लूट को पकड़ना है, और हमेशा याद रखिए जब भी आप फ्लूट के होल जो है कवर करेंगे तो आप फिंगर से जो है उसको फील करिएगा कि वो होल जो है फुल्ली कवर है कि नहीं, क्योंकि समटाइम्स क्या होता है कि हम होल जो है कवर है कि नहीं वो देखते ही नहीं और आधा होल ओपन रह जाता है, तो वो वैसे आपको नहीं करना है, आपको पूरा होल जो है आपके फिंगर्स पे फील करना है और फील करके ये समझना है कि आपने वो होल जो है कवर किए है कि नहीं। अगर आप देखिए कवर नहीं कर पाते तो आगे जाके आपको जब ब्लोइंग आप करेंगे तो वो होल जो है पूरी तरह से कवर ना होने के कारण जो आपका फ्लूट से आवाज़ नहीं आ पाएगा, ठीक है। तो हमेशा ये याद रखिए कि आपको अच्छी तरह से आपके जो फ्लूट के होल्स हैं वो फिंगर से कवर कर लें, ठीक है। अभी जो मैंने आपको मतलब जो ये टेक्निक बताई वो टेक्निक इसके लिए बताई क्योंकि देखें
बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो फ्लूट जब लेते हो सीधा ऐसे पकड़ने का ट्राई करते हैं, मतलब सीधे ऐसे पोजीशन में जाते हैं। तो इस पोजीशन में क्या होता है कि समटाइम जो है हम ऐसे, मतलब बहुत सारे मैंने स्टूडेंट देखे कि स्टार्टिंग में ऐसा जो पोजीशन होता है ये ऐसा हो जाता है उनका हाथ, बल्कि वो पोजीशन ऐसा होना चाहिए फिंगर्स के, वो उनका ऐसे वो जो है गलत ऐसे पकड़ लेते हैं फ्लूट को ऐसे, तो वो एकदम गलत जो है पोजीशन हो जाता है। तो इसके वजह से अगर आप ऐसे पहले प्रैक्टिस करेंगे और उसके बाद में फ्लूट को ऐसे पकड़ के ले जाएंगे तो वो आपका डायरेक्शन जो है वो अच्छा रहेगा, आपका हैंड जो है वो ऐसे ही रहना चाहिए स्ट्रेट, ऐसे नहीं होना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए, या फिर ज़्यादा ऐसे भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। आपका ऐसे जो है आपका मेरा हैंड देखिए, ऐसे मैं पकड़ता हूँ तो मेरा हैंड देखिए यहाँ पर थोड़ा सा बेंड है मेरी कलाइयों से, बट ज़्यादा ऐसे बेंड नहीं है ना, ना तो मैंने ऐसे पकड़ा है, ठीक है ऐसे। तो ये जो है ऐसे आप अगर स्ट्रेट पकड़ेंगे तो आपका जो हैंड है वो प्रॉपर तरीके से जो है तैयार हो जाएगा, और उसके बाद में सिर्फ आपको ऐसे फ्लूट पकड़ना है, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल सी टेक्निक है मैंने आपको बताई है, आप ज़रूर इसको ट्राई करके देख लीजिएगा। मुझे पता है कि ये टेक्निक्स वर्क करेगी क्योंकि मेरे जो स्टूडेंट्स है उनको भी मैंने ऐसे ही सिखाया है और उन्होंने बहुत ही जल्दी जो है फ्लूट पकड़ने से लेके फ्लूट बजाने तक बहुत ही जल्दी इम्प्रूव किया है। तो मैं यही आशा करता हूँ कि ये टेक्निक्स आपको हेल्प करेगी, ठीक है। तो जो अभी नेक्स्ट जो थर्ड स्टेज है वो है ब्लोइंग टेक्निक, ब्लो कैसे करना है, ये मुझे बहुत सारे कमेंट्स में जो है पूछा गया था कि बिगनर्स को ब्लोइंग जो है बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है फूकने में। तो वो मैं सारे जो टेक्निक्स है ब्लोइंग के कि क्या गलती होती है कि हम फूक नहीं पाते ठीक से, वो सारी गलतियाँ जो है मैं बता दूँगा कि क्या गलतियाँ होती है मोस्ट ऑफ, और उनसे कैसे जो है हमें बाहर आके अच्छी तरह से जो है फूक मारना है। तो वो टेक्निक जो है मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, तो आप वो नेक्स्ट वीडियो जो है चेक करिएगा, मैं जल्दी जल्दी वो वीडियो जो है अपलोड करूंगा मेरी चैनल पे, और ऐसे ही जो है मुझे सपोर्ट करते रहिएगा दोस्तों। मैं आपकी वजह से ही ये चैनल जो है क्रिएट किया है, मुझे बहुत मतलब ऐसा लगता है कि जैसे बहुत सारे लोग कीबोर्ड गिटार मतलब बजाने के लिए जाते हैं सीखना चाहते हैं, वैसे ही जो हमारा इंडियन क्लासिकल इंस्ट्रूमेंट है जो बांसुरी, तो वो जो है बहुत सारे लोग जो है सीख पाए, इस वजह से जो है मैंने ये चैनल जो है बनाया था। तो अभी जो है मुझे बहुत ही अच्छा सपोर्ट जो है आपकी तरफ से मिल रहा है और बहुत सारे लोग जो है मेरी वीडियो के कारण सीख भी पाए हैं। तो ऐसे ही जो है आप मेरे वीडियोस को देखते रहिए और फ्लूट सीखते रहिए, इसीलिए तो मैंने ये चैनल जो है क्रिएट किया है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जल्द ही मैं वीडियो अपलोड करूँगा और वीडियो में जो है मैं आपसे मिलूँगा, तब तक के लिए बाय बाय।